आप सभी के चरणों में मेरा सादर स्पर्श। आप सभी से मैं आशीर्वाद की कामना करता हूं। बड़ों से आशीर्वाद, छोटों से स्नेह प्रेम, यही मेरी कामना है। बाकी आज जितने भी मेरे छोटे भाई बहन पुरस्कार पा रहे हैं, पुरस्कृत किए जा रहे हैं, उनको मेरी तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके उज्जवल भविष्य की मैं बहुत बहुत कामना करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, माँ गायत्री से मैं प्रार्थना करूंगा कि इन सभी का भविष्य उज्ज्वलमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और समृद्धमय हो। ये भविष्य में आगे सभी क्षेत्रों में आकाश की ऊंचाइयों को छूते रहें, वो बाज बन जाएं ये आसमान में, जो पूरे आसमान पर इनका कब्जा हो, जिस भी क्षेत्र में जाएं वहां पर अपना परचम लहराएं। यही सभी भावनाएं, यही सभी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बाकी एक चीज मैं जो अपने छोटे भाई बहनों से बताना चाहूंगा कि अगर जीवन मिला है तो किसी मकसद के लिए मिला है। सिर्फ जीना, खाना पीना और मर जाना, ये तो कुत्ते बिल्लियों का जीवन होता है। हम जीवन पाए हैं तो कुछ करके जाएंगे, अगर जीवित हैं तो अपना नाम लहरा कर जाएंगे। आप अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को जरूर चुने जिससे आप प्रेरणा लेते हो। मेरे खुद के जीवन में मेरा वो व्यक्ति पवन पुत्र हनुमान है। मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ कि वो मुझे सद्बुद्धि दें। मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ कि वे मुझे बलशाली बनाएं। कितनी भी बड़ी बाधाएं आए, मैं सभी को पार करते चलूं। हनुमान जी के जीवन में एक बाधा सबसे बड़ी ये आई थी कि उनके प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के प्राण संकट में थे और प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि ए हनुमान, आज सिर्फ एक चीज मैं तुझसे मांगता हूँ, मैं तेरा ऋणी रहूंगा जीवन भर, अगर आज तूने मेरे छोटे भाई को बचा लिया। हनुमान जी ने भी यह संकल्प ले लिया कि जब तक मैं अपने मित्र लक्ष्मण जी की प्राणों को नहीं बचाऊंगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। सूर्यदेव को भी चुनौती दे डाली कि हे सूर्यदेव, अगर मेरे वापस आने तक आपने दर्शन दे दिए तो वो बचपन का वाकया आपको फिर से दोहराना पड़ेगा। मैं आपको निगल जाऊंगा, ये संसार मिट जाएगा, लेकिन मेरा संकल्प नहीं मिटना चाहिए। अगर आप संसार के भलाई चाहते हैं तो मेरे संकल्प को पूर्ण करने में मेरी मदद कीजिए। उनकी यही चीज मुझे बड़े पसंद आई कि वो जो भी चुनते थे, जो भी निश्चय करते थे, जो भी संकल्प करते थे, उसे पूर्ण करते थे। आप भी अपने जीवन में एक ऐसा संकल्प लें, एक ऐसे क्षेत्र में संकल्प लें जो आप जरूर पूर्ण करें। और अगर आपको बाधाएं आती हैं, आपके जीवन में फेलियर्स आते हैं, आप उसमें निराश होते हैं, हताश होते हैं, तो चिंता मत कीजिए, पवन सुत हनुमान बजरंगबली आपके साथ सदैव खड़े हैं। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।